नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से छठवां समन जारी किया गया है। ईडी ने केजरीवाल को 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले ईडी केजरीवाल को 5 समन जारी कर चुकी है। अभी तक भेजे गए समन पर केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने ईडी के समन को बदले की कार्यवाही बताया था। ईडी ने केजरीवाल को 31 जनवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। ईडी के लगातार समन जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया था कि ये सारी प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही है। ईडी उन्हें पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करना चाहती है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अगर ईडी को पूछताछ करनी है तो वह अपने सवाल लिखकर केजरीवाल को दे सकती है। केजरीवाल ने ईडी को भेजी चिट्ठी पर कहा था कि वह हर कानूनी समन मानने के लिए तैयार है, लेकिन ईडी का ये समन पिछले समन की तरह गैर कानूनी है। उन्होंने ऐसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए वापस लेने की मांग की थी। और इससे पहले केजरीवाल ने यह कहा था कि मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता से जिया है, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। ईडी के बार बार समन दिए जाने के बाद भी पेश न होने पर 7 फरवरी को कोर्ट ने केजरीवाल को पेशी का समन जारी किया था। कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के कई समन के बावजूद दिल्ली सीएम केजरीवाल के पेश न होने के खिलाफ ईडी द्वारा कोर्ट ने ये याचिका दायर की थी। वहीं ईडी समन पर केजरीवाल ने यह कहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें समन क्यों भेजा गया है। उन्होंने कहा था कि जांच को चलते हुए 2 साल हो गए हैं, तो फिर लोकसभा चुनाव के पहले ही क्यों बुलाया जा रहा है। सीबीआई ने 8 महीने पहले बुलाया था, मैं गया भी था और जवाब भी दिए थे। अब लोकसभा चुनाव के पहले बुलाया जा रहा है तो उनका मकसद मुझसे पूछताछ करना नहीं है। वो लोग तो मुझे बुलाकर गिरफ्तार करना चाहते हैं ताकि मैं प्रचार ना कर सकूं। नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए आज बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है।